अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वकार और आपका स्वागत है जायका कुकिंग में। आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाएंगे। गर्मी का मौसम है, कच्चे आम खूब मिल रहे हैं और यही मौका है, मुरब्बा बना के रख लीजिए। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मेरे बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरी मम्मी जब भी बनाती थी मुरब्बा तो हम लोग इसे रोटी के साथ तो खाते ही थे, अलग से बाद में हम कटोरी में भी निकाल के खाया करते थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। चलो फिर देखते हैं किस तरह से बनता है। हमारा चैनल जायका कुकिंग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बाजू में जो बेल है उसको भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो फिर शुरू करते हैं। ये मैंने 5 आम यानी 1 केजी आम हमने लिया है इस तरह का, और इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और इसको धुलने के बाद अब हम एक लेंगे इस तरह का छिलने के लिए। इस तरह से आम को हम ऊपर के जो छिलके हैं अच्छी तरह से छिल लेंगे। इस तरह से आप चाकू की मदद से भी छिल सकते हैं, आपको जिस तरह से जमे आप उस तरह से इस तरह के छिल लेंगे। और जब भी मार्केट में आप आम लें तो कटवार कर देख लें कि इसमें ज़्यादा गुद्दे वाले आम होने चाहिए, क्योंकि कुछ आम ऐसे होते हैं कि अंदर की गुठलियाँ बड़ी होती है और ऊपर के गुद्दे कम होते हैं। तो ज़्यादा वाले भारी वाले आप देख कर लें, और गुठलियाँ किसी किसी में ज़्यादा बड़ी और सख्त होती है। तो इस तरह का आम मैंने देखे अच्छी तरह से सारे को छिल लिया है। अब इसको बीच से कट लगाएंगे। इसमें भी गुठलियाँ हैं, काफ़ी सख्त है। ये देखिए इसके अंदर का जो बीज है उसको इस तरह से निकाल लेंगे, और उसके चाकू से मदद से आप जिस तरह का शेप चाहते हैं उस तरह से कट लगा लें, लंबे या छोटे आपको जिस तरह का लगता है उस तरह से। इस तरह से हमने कट लगा लिया है। हम लंबे लंबे थोड़े छोटे पतले कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह का शेप देंगे। तो ये मैंने सब इस तरह से काट लिया है, कुछ गुठलियाँ काट लिए और कुछ गुद्दे इस तरह के ऊपर से काट लिए और गुठलियाँ अलग कर दिया है हमने। सारे काट लिए हैं, अब इसको रखें साइड में। अब ये हमने 1 केजी शुगर लिया है मैंने, तो आपका देखना पड़ेगा आम कैसा है, खट्टा है मीठा है, उसके हिसाब से आप शक्कर ले सकते हैं। और ये मैंने कुछ तड़का लगाने के लिए कलौंजी लिया है और लहसुन लिया है। इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। और ये 7-8 मैंने सूखी मिर्ची ली है। अब हम पानी को पहले चढ़ा दिए थे, लगभग हल्का बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर हम आम को केरी को अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से डालने के बाद हम थोड़ा सा हल्का इसको चम्मच से मदद से थोड़ा सा हिला देंगे सारे को इस तरह से। और इसके बाद हम ढक्कन से इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए, ओनली 5 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए हम इस तरह से ढक देंगे। और ये 5 मिनट के बाद काफ़ी अच्छी तरह से गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, और खूब बेहतरीन गल जाता है। अब इसको चेक करेंगे हम चाकू की मदद से या भी किसी चीज़ से इस तरह से चेक कर लेंगे, दबा कर प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है, सब गल गया है दोस्तों, जो गुठलियाँ वाली है वो भी और जो खाली गुद्दा है वो भी। तो इस तरह से गल गया है। अब इसको साइड में रखेंगे, पानी को निकाल लेंगे। अब हम तड़का लगाएंगे। पहले ये मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और इसके अंदर पहले लहसुन को डालेंगे, उसके बाद सूखी मिर्च को डालेंगे, हल्का भुनेंगे और धीमी आंच पे ही रखेंगे इसको। धीमी आंच पे इसको हल्का भुनेंगे, उसके बाद इसके अंदर कलौंजी को भी डाल देंगे, उसको भी थोड़ा इसको हल्का लाइट, तीनों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे इसको, धीमी आंच पे भुनेंगे इस तरह से। और ये लगभग भुन चुका है।
अब इसके अंदर हमने जो आम को उबाल के रखा था अब उसको इसके अंदर डाल देंगे। इसको अंदर डालने के बाद अब इसको मैंने अच्छे तरह से पानी को निकाल लिया था और इसको अब इसके अंदर डालने के बाद हम 3 मिनट तक लगभग इसको इस तरह से हम भूनेंगे अच्छी तरह से, 3 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, 3 मिनट तक इसको इस तरह से हल्का धीमे हाथों से अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा हल्का नमक डालेंगे, हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम फिर इसको चला लेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इससे क्या है, टेस्ट थोड़ा सा तीखा, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, इस तरह के टेस्ट आएंगे दोस्तों। इसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाले। अब इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह कश्मीरी लाल मिर्च को इसके आम के साथ अच्छी तरह से भून देंगे, पका देंगे अच्छी तरह से एकदम। इसके बाद हम इसको भून लेंगे, तब इसके अंदर हम शुगर को ऐड करेंगे और शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा चलाएंगे इस तरह से। और चीज़ और है कि इस अगर आप शुगर अगर ऐड कर रहे हैं तो ये मैंने लिया है आम का जो पानी बचा हुआ था आधा डालेंगे। आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसको डालने के बाद थोड़ा सा क्या है ग्रेवी थोड़ी पतली हो जाती है, तो आप नहीं डालेंगे तो थोड़ा गाढ़ा रहेगा। तो इस तरह से डालने के बाद हम इसको चला लेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, तब तक शुगर गल जाए, जब तक के लिए हम इसको ढक देंगे ये इस तरह से। और इसको हम अब इसको चलाएंगे इस तरह से। दोस्तों ये मैंने अपने अब्बू और अम्मी से पूछकर बनाया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से मैंने इसको तरतीब ली है बनाने की। अब इसी तरह से हम हाई फ्लेम पे एकदम 5 मिनट इसको और पकाएंगे एकदम अच्छी तरह से। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से एकदम पक चुका है और ये आपका आम का मुरब्बा कलौंजी तैयार हो चुका है दोस्तों। अब ये हो गया है रेडी, तो हम अब इसको ढक देंगे और ढकने के बाद हम आपको सर्व करके दिखाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए अब आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए कुछ गुटलियाँ वाले और कुछ इस तरह के, देखिए कितना क्रीमी और कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों, मुंह में पानी आ गया होगा दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन बना, वो काफ़ी अच्छी तरह से गल भी गया है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छी तरह से आया है। देखो इतना बेहतरीन मैंने चक्कर देखा, काफ़ी अच्छी टेस्टी है, जैसा मैंने बचपन में खाया था माँ के हाथों से वैसे ही सेम टेस्ट आया है दोस्तों। ये हमारे अब्बू और अम्मी ने बताया था उसी तरह से हमने बनाया है। हमारे अब्बू भी काफ़ी अच्छे कुक हैं, मैंने उनसे पूछ कर बनाया कि किस तरह से बनता है, उन्होंने बताया है और उनको बताए हुए तरकीब से मैंने इसको अच्छी तरह से बनाया है। अब इसको हम एक मर्तबा यानी इसको बोलते हैं गांव की भाषा में, एक कांच के डब्बे ले लेंगे इस तरह के और इसमें हम रख देंगे लगभग महीनों तक, आप आराम से खाइए और देखिए कितना बेहतरीन बना है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।